Hello students, once again welcome back to cyber security lecture series, and today we are going to discuss on security threats. In previous lecture we have discussed about malware, VPN, okay, इन सब चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया था. अब आज हम लोग बात कर रहे हैं सिक्योरिटी थ्रेट्स के बारे में, ओके. तो देखते रहिए वीडियो को. नाउ फर्स्ट वी टॉक अबाउट सिक्योरिटी थ्रेट्स. अ थ्रेट रिफर टू एनीथिंग दैट इज हार्मफुल फॉर कंप्यूटर सिस्टम. थ्रेट हर वो चीज है जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम को हार्म कर सकती है या उसको इफेक्ट कर सकती है. थ्रेट कैन अटैक ऑन कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर सिस्टम एंड मेनी मोर. दे आर फॉलोइंग सिक्योरिटी थ्रेट्स. थ्रेट्स आपके कंप्यूटर सिस्टम को, आपके नेटवर्क को हार्म कर सकती है, उस पर अटैक करके आपकी इंफॉर्मेशन को डैमेज कर सकती है, आपके नेटवर्क को डैमेज कर सकती है, ओके. तो सिक्योरिटी थ्रेट्स के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या क्या होते हैं, ओके. देर आर मेनी टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स. यहाँ पर हम देख रहे हैं, एक तो होता है आपका वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्स, बॉम्ब्स, ट्रैपडोर्स, स्पूफ, ईमेल वायरस, माइक्रो वायरस, ओके. तो आज हम इन सारे टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर वायरस की, ओके. व्हाट इज वायरस? अ कंप्यूटर वायरस इज मैलिशियस कोड, मैलिशियस कोड और स्मॉल प्रोग्राम्स दैट रेप्लिकेट बाय कॉपिंग इटसेल्फ. ये ऐसे मेलिशियस कोड या फिर छोटे स्मॉल प्रोग्राम्स होते हैं जो कि अपने आप की कॉपी बनाते हैं, कॉपी करके आपके कंप्यूटर में बहुत सारा अपनी संख्या को बढ़ा लेते हैं. कंप्यूटर बूट सेक्टर और डॉक्यूमेंट एंड चेंज हाउ कंप्यूटर वर्क्स, और आपके कंप्यूटर के जो वर्क होता है उसको चेंज कर सकते हैं, आपके कंप्यूटर की वर्क को इफेक्ट कर सकते हैं. छोटे छोटे प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर के फॉर्म में आपके कंप्यूटर में एक बार इन्फेक्ट हो गए तो आपके कंप्यूटर की जो वर्किंग प्रोसेस है उसको इफेक्ट कर सकते हैं. अ वायरस कैन बी स्प्रेड बाय ओपनिंग एन ईमेल अटैचमेंट. ये जो वायरस होते हैं ये किसी ईमेल अटैचमेंट को भी हम ओपन करते हैं तो उससे भी हो सकते हैं. सपोज आपके पास में कोई ईमेल आया, कोई मैसेज आया इंटरनेट के थ्रू आपके कंप्यूटर पर या आपके मोबाइल फोन पर, जैसे ही आप उस ईमेल को ओपन करने की कोशिश करते हैं उसके साथ में अटैच्ड होता है, और जैसे ही आपने उसको क्लिक किया ओपन करने के लिए आपके पूरे सिस्टम में वो स्प्रेड हो जाते हैं और आपके सिस्टम को इफेक्ट कर सकते हैं. आफ्टर दैट विजिटिंग एन इन्फेक्टेड वेबसाइट. अगर आप किसी इन्फेक्टेड वेबसाइट पर विजिट कर लिए जो वेबसाइट ऑलरेडी वायरस से इन्फेक्टेड थी, उस इन्फेक्टेड वेबसाइट पर अगर हम चले गए तो वहां से भी हमारे सिस्टम या हमारे मोबाइल फोन में वायरसेस का इफेक्ट हो सकता है, वहां से भी वायरस हमारे कंप्यूटर को इफेक्ट कर सकते हैं. थ्रू इन्फेक्टेड रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस. मान लो अगर आपने आपके कंप्यूटर में या मोबाइल फोन में कोई भी ऐसी डिवाइस, चाहे पेन ड्राइव हो गई या फिर मेमोरी कार्ड हो गई, अगर वो पहले से वायरस से इन्फेक्टेड है, ऐसी कोई भी आपने डिवाइस जो पहले से वायरस से इन्फेक्टेड है उसको अगर आप अपने सिस्टम या कंप्यूटर में यूज़ करेंगे, उसके थ्रू भी आपकी डिवाइस में वायरसेस हो सकते हैं जो कि आपके सिस्टम की कार्यप्रणाली को या फिर बोलेंगे आप वर्किंग को इफेक्ट कर सकते हैं, ओके. सो स्टूडेंट्स, ये तो बात हो गई वायरस की, के वायरस क्या होता है. छोटे छोटे मेलिशियस कोड या प्रोग्राम होते हैं जो कि अपनी कॉपी को जनरेट करते हैं और आपके कंप्यूटर की वर्किंग प्रोसेस को इफेक्ट कर सकते हैं. कभी कभी क्या होता है, किसी का कंप्यूटर हैंग होने लग जाता है, मोबाइल फोन हैंग होने लग जाता है. ये सब चीज़ें अगर आपके कंप्यूटर में या मोबाइल फोन में हो रही है, विच मीन्स आपका कंप्यूटर या मोबाइल फोन कहीं ना कहीं वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका है. आफ्टर दैट नेक्स्ट चीज हम देखते हैं वॉर्म्स. वॉर्म्स क्या होते हैं? वॉर्म्स आर, नाउ लेट्स टॉक अबाउट वॉर्म्स. वॉर्म्स आर पीसेज ऑफ मालवेयर प्रोग्राम दैट रेप्लिकेट्स क्विकली एंड स्प्रेड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर. ये भी छोटे छोटे मालवेयर या छोटे प्रोग्राम्स के पीसेस होते हैं जो कि क्विकली अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं, कॉपीज बनाते हैं और बहुत जल्दी से स्प्रेड होने लगते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर. इसको समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं. जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या होता है कि अगर आपके पास में कोई ईमेल आया, अगर वो ईमेल इन्फेक्टेड है
वॉर्म्स है, तो क्या होता है जैसे ही आपने उस ईमेल या उस अटैचमेंट को जैसे ही आपने क्लिक किया और ओपन करने की कोशिश की, तो क्या होगा कि आपके कंप्यूटर सिस्टम से और जितने भी मल्टीपल कंप्यूटर, फॉर एग्जांपल आपके कंप्यूटर से 100 कंप्यूटर्स नेटवर्क के थ्रू और कनेक्टेड हैं, तो जैसे ही आप उसको ओपन करेंगे तो वो जो वॉर्म है, जो मैसेज है, वो क्विकली दूसरे उन 100 कंप्यूटर्स में से में भी चला जाएगा। ये 2000 में एक इंसिडेंस हुआ था, जब क्या हुआ था कि एक मैसेज था आई लव यू नाम का, जो कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव था। अगर किसी कंप्यूटर में वो मैसेज आता था आई लव यू, क्योंकि बहुत अट्रैक्टेड होता था, अगर कोई पर्सन उसको जैसे क्लिक करता था तो उसके कॉन्टेक्ट में जितने भी ईमेल के में जितने भी कंटेंट्स हैं उन सभी को वो मैसेज वहाँ से चला जाता था, और जब वो दूसरे पर्सन उसको ओपन करते थे तो उनके कॉन्टेक्ट में जितने भी ईमेल एड्रेसेस होते थे उन सभी को वो मैसेज चला जाता था। विच मीन्स कि एक के बाद एक रैपिडली ये एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर स्प्रेड हो सकता है। ओके, आफ्टर दैट टॉक अबाउट ट्रोजन हॉर्स। अ ट्रोजन हॉर्स इज अ टाइप ऑफ मैलिशियस कोड और सॉफ्टवेयर दैट लुक लेजिमिटेड बट कैन टेक कंट्रोल ऑफ योर कंप्यूटर। देखो, ट्रोजन हॉर्स भी एक तरह के मैलिशियस कोड होते हैं या छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि एक लेजिमिटेड प्रोग्राम की तरह दिखते हैं, लेकिन आपके कंप्यूटर के कंट्रोल पर एक्सेस कर सकते हैं या फिर आपके कंप्यूटर को हार्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने इंटरनेट की हेल्प से कोई सा एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की कोशिश की जो कि एक्चुअल ऑथेंटिकेटेड सॉफ्टवेयर जैसा आपको दिख रहा होता है, ऐसा सॉफ्टवेयर अगर आपने अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं तो आपको तो ऐसा फील होता है कि वो एक वैध या फिर लेजिमिटेड सॉफ्टवेयर है, मगर उस सॉफ्टवेयर के साथ में ट्रोजन हॉर्स हैं वो भी आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाते हैं। और जब ट्रोजन हॉर्स आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो गए और जैसे ही आप उस सॉफ्टवेयर या उस प्रोग्राम को रन करने की कोशिश करते हैं तो आप तो उस सॉफ्टवेयर के बारे में समझ रहे थे, लेकिन एक्चुअल में वो जो ट्रोजन हॉर्स है वो आपके सिस्टम में रन होने लग जाता है और आपके सिस्टम को क्या करने लगता है, इन्फेक्ट करने लगता है। ओके, ये हो गया ट्रोजन हॉर्स। नाउ अब हम बात करेंगे बॉम्ब्स की।